वर्तमान समय में हालांकि ये बात सितंबर 95 की है, 5.25 घंटे में किसी कम उम्र के लड़के की कुंडली पूर्ण हो गई। वो सिर्फ 2 से 5 मिनट ही ध्यान करता था, कुंडली में इतना वेग था कि तुरंत कुंडली उठी और टोटल टाइम 5.25 से भी कुछ कम ही था। ऐसे भी हैं साधक या योगी, मगर आज बिल्कुल शुद्ध पतन में पड़ा हुआ है, संसार में डूबा हुआ। और कहोगे इतना श्रेष्ठ साधक होकर के, हाँ कर्म है छोड़ के लग गया, जब मृत्यु से पहले हो सकता है अभी से कुछ दिन बाद फिर साधना में आएगा, करेगा, ये उसकी मजबूरी है। मजबूरी मतलब उसके कर्माशय ही ऐसे हैं, क्योंकि जब उसकी पूर्णता की प्राप्ति हुई तो उसे एक अनुभव आया करता था कि जब वो ध्यान पर बैठता था मात्र 5-7 मिनट के लिए, उसे भगवान शंकर दिखाई देते थे, सामने खड़े हुए हैं, उनसे वो प्रार्थना करता था, प्रभु मैं प्यासा हूँ। उसने कहा, अरे भगवान शंकर कहते, अच्छा, इतने उसका ध्यान टूट जाता था। उसने मेरे से कहा कि मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, मुझे तो प्यास नहीं लगी, मगर मैं अर्थ समझ गया, मैं कुछ नहीं बोला, 9 साल के लड़के से क्या कहता, मगर बार बार वो यही कहता, मैं समझ गया। मैंने कहा देखो तुम्हारी उम्र कम है, लेकिन बुद्धिमान था वो लड़का। मैंने कहा एक बात का ध्यान रखना, जब बड़े हो जाओ तो शादी नहीं करना। वो हंसने लगा, छोटा था लड़का, हंसने लगा। खैर कहीं, मगर इससे क्या मतलब, अब उसे समझा भी नहीं सकते थे। फिर कम से कम 15 दिन बाद की बात है, उसने आँख खोली, यानी ध्यान कर रहा था, आँख खोली, कहा, बताया हमें अनुभव कि अब की बार मैंने कहा प्रभु मुझे बहुत प्यास लगी है, कि ठीक है त्रिकाल ये पियो, तृप्त हो जाओ। सिर के ऊपर से पानी निकलना शुरू हो गया, जो बालों का जूड़ा लगा था, मैंने मुंह खोल लिया, मुंह में ढेर सारा पानी चला गया, मैं पी रहा हूँ। और तब तक आपने कहा कि किसी के लिए कुछ कहा, मेरी आँख खुल गई, मैं समझ गया पतन तय है। आज वो, अब उसे नहीं बता सकता था, छोटा था, क्या समझाता, आज वो पतन में है, गर्त में है, संसार में जी रहा है, जो संसारी पुरुष है। ऐसा भी होता कर क्या, शायद वर्तमान में ऐसा वही एक साधक था जिसकी 5.25 घंटे में हो गई। मेरे लिए खुद ही कई साल लगे साधना के, मैं अपनी बताऊँ, मुझे ज्ञान के द्वारा मैंने पूछा भगवान ब्रह्मा से, प्रभु आखिरकार ये कौन है, इतनी तेज गति से इसकी कुंडलनी कैसे स्थिर हो गई पूर्ण होकर, क्यों पूछ रहे हो, तुम खुद भी देख सकते हो अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, हम आपके द्वारा जानना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं इतनी जल्दी कुंडलनी किसकी स्थिर हुई है। स्थिर होने का एक बार मैं फिर बता दूं, पूर्ण यात्रा करने को मैं स्थिर कह रहा हूं, कि हृदय में स्थिर हो जाना। तो मुझे मालूम हुआ कि आदिकाल में वशिष्ठ की सबसे कम समय में कुंडलनी स्थिर हुई, जब वो उनके द्वारा प्रकट हुए 2.5 घंटे में उनकी कुंडलनी पूर्ण हो गई। 2.5 घंटे ही उन्होंने समाधि लगाई वशिष्ठ जी ने, और कुंडलनी पूर्ण हो गई। अब ये कहें क्या शास्त्र में है, कोई ये भी कह सकता, बस हाँ यही सत्य है, ज्ञान के द्वारा सारी जानकारियाँ मिलती हैं, इसी को ज्ञान कहते हैं। फिर और भी कुछ है, खैर बात कुंडलनी की है। अब आ जाए वर्तमान में, मैंने ढेर सारे साधकों का मार्गदर्शन किया महाराष्ट्र में भी, और आप लोगों का कर रहा हूँ, कुछ हमारे रिश्तेदार गांव इधर उधर घूम घूम के, कुछ शहरों में
मेरठ वगैरह में कई साधक। उनमें से जहाँ तक मुझे अभी याद आ रहा है, तीन साधकों की कुंडलनी पूर्ण हुई जिनको मैंने सुना। एक वो 9 साल 9.5 साल का लड़का, दो मीनाक्षी, तीन अभी और इसी वक्त रविंदर ओझा। कहिए रविंदर जी, आपकी कुंडली पूर्ण हुई, यात्रा की। मैं शक्तिपात कर रहा था, इसीलिए अगर तुम यहां नहीं आते, महीनों और सालों लगे रहते। जानते क्यों? रुकी हुई थी। तुम्हें पता है क्यों रुकी हुई थी? मैं सत्य नहीं बोलना चाहता हूं। ये रविंदर जी हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। जब मुझसे मेरे माता जी ने कहा तो मैं बहुत खुशी था। वो मुंह बनाए बैठे हुए हैं, जैसे मैंने कुछ अपशब्द कह दिया। क्या है? चलो, जो भी सोच रहे। तो कहने का मतलब, तीन ऐसे साधक मेरे मार्गदर्शन में आए, अच्छी बात है कि उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ। बहुत से ऐसे साधक हैं जिनके ब्रह्म रंध्र खुले हुए हैं। मुझे सोचना पड़ेगा, गिनती करना पड़ेगा, मुझे मालूम नहीं है कितनों के हैं, लेकिन फिर भी थोड़े के ही होंगे। और कंठ चक्र खुले हुए साधक तो बहुत है, मैं शायद जल्दी में गिनती भी नहीं कर पाऊंगा। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.